हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएस क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19 और उससे आगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपको उन सवालों को बनाने में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो ऊपर दिए गए आई बटन जो कि यहाँ पे दिख रहा है या फिर थोड़ी देर में दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियो तक पहुँच सकते हैं और सबसे पहले वहाँ पे जाके आप सॉल्व कीजिए उन क्वेश्चन को। और अगर आपको परेशानी नहीं है तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट बोल रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई दिस मच टाइप, इस तरीके से, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये इंटीजर ही निकल के आता है, इसके अंदर से इंटीजर ही निकल के आता है। मान लीजिए 1.21 लिखा हुआ है तो यहां से 1 निकल के आएगा, ठीक। और अगर 1.92 लिखा हुआ है तब भी यहां से निकल के इंटीजर 1 ही आएगा, यानी कि जो छोटा इंटीजर होगा, ये देखेंगे कि ये किसके और किसके बीच में है तो ये इस तरीके से होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, दो इंटीजर 1 और 2 के बीच में ही आया, तो इसमें से छोटा इंटीजर ये बाहर निकलता है। क्या निकलता है? छोटा इंटीजर बाहर निकलता है। अब जैसे ये देखते हैं, ये भी जो है 1.21, ये 1 और 2 के बीच में ये है, लेकिन इस छोटा इंटीजर क्या है दोनों में? 1 है, तो 1 ही निकाल के ये लाएगा। इससे मतलब नहीं है कि ये कितना नजदीक है 2 के, 9.2 होता है जनरली, क्या होता है जो ज्यादा नजदीक होता है उस इंटीजर के पास हम लोग राउंड कर देते हैं। वह राउंड उन करने वाली चीज नहीं है, सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब छोटा वाला निकल के इंटीजर आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी आशा है। तो आइए हम देखते हैं इसको कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सॉरी, तो देखते हैं लिमिट, सॉरी पहले जी एक्स पर देख लेते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हम लोग किसी पॉइंट सी पर इसको चेक कर लेते हैं, सी पी कुछ भी मान लीजिए आप। तो हम लोग इसको कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी पर हम इसको चेक करते हैं। तो जी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो एक्स की जगह पर सी हो जाएगा माइनस, यहां देखिए ये सी हो गया, ये कोई इंटीजर है, ठीक। तो क्या निकल के आएगा हमारा, सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का लेफ्ट, एक्स अप्रोचेस सी का लेफ्ट जी सी। तो देखते हैं जी सी माइनस एच हो जाएगा, कुछ तो घटाना होगा ना, तो सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये देखिए, ये तो सी माइनस एच हो गया, और यहां पे समझिए जिस तरीके से अभी हमने बताया था कि 1.21 जो है वो 1 और 2 के बीच में है, तो अगर इसमें से 2 में से कुछ भी घटाए, 2 में से कुछ भी मान लीजिए 0.1 माइनस करते हैं, 0.1 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1.99 हो जाएगा,
1.99 क्या निकाल के देगा, 1 निकाल के देगा, कहने का मतलब 2 से 1 कम देगा, तो यहां पे भी क्या निकाल के दे रहा है हमारा, c से 1 कम, तो यानी कि c माइनस 1 दे रहा है, क्या दे रहा है हमको निकाल के, c माइनस 1 निकाल के दे रहा है। अब ये c माइनस 1 एक्चुअली है क्या, तो माइनस c प्लस 1। अब ये देखिए cc तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 1, सी सी तो कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा 1, क्योंकि एच अप्रोच करेगा 0 के, एच अप्रोचेस 0, जी सी माइनस 0, ये 0 हो गया और c प्लस में और माइनस में हो गया, तो ये 1 हो गया। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x अप्रोचेस c का राइट x अप्रोचेस c का राइट में हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, g c प्लस h, c प्लस एच हो जाएगा, यानी कि c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस एच, लिमिट एच अप्रोचेस 0, g c प्लस 0, ये देखिए c प्लस 0 ये तो हो ही गया और यहां पे देखिए माइनस, यहां पे अगर हम करते हैं एच प्लस करते हैं, कुछ भी प्लस करते हैं, 2 में कुछ भी प्लस करेंगे तो ये 2 ही निकल के आएगा, ये हमारा क्या निकल के आया, माइनस सी निकल के आया, क्या निकल के आया, माइनस सी निकल के आया, तो ये 0 हो गया। तो यहां देखिए स्टूडेंट लिमिट यहां पे 1 है यहां पे 0 है, तो LHL बराबर नहीं है RHL के, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस GX इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो बात ये नहीं है कि ये बताना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है, यहां पे शो करना था कि डिसकंटिन्यूअस है, तो हम यहां पे लिख देते हैं जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा तो ये हमने शो कर दिया, ये हमने शो कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इस 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय ये जो भी है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, तो पाई पर हमको इसको क्या करना है, इज द फंक्शन, मतलब पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आइए देख लेते हैं कि पाई पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एट सॉल्यूशन एट एक्स इज इक्वल टू पाई, एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर देखते हैं क्या होता है, एफ पाई, तो पाई पर पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई क्या होता है 0 होता है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, ये हुआ हमारा किस पर, पाई पर। अब लिमिट x अप्रोचेस पाई का लेफ्ट, x अप्रोचेस पाई का लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एच का स्क्वायर
माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस फाइव, यही होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो घटाएंगे ना। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इधर अच्छे से लिख दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई का लेफ्ट एफ पाई माइनस एच, ये होगा ठीक। तो फिर देखते हैं क्या होगा, इम्प्लाइज दैट लिमिट एच अप्रोचेस जीरो तो पाई माइनस एच, अभी जीरो नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं रखते हैं, जैसे ही वैल्यू रखेंगे वैसे ही यह हट जाएगा, माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगा साइन पाई साइन एच माइनस कॉस, सॉरी साइन ए कॉस बी होता है, कॉस एच कॉस पाई साइन एच प्लस फाइव। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो पाई माइनस, अच्छा अब जीरो कर दो, जीरो कर दो, जीरो का स्क्वायर माइनस साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन पाई की वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू कॉस जीरो, ये क्या हो जाएगा कॉस जीरो, अभी साइन पाई रखते हैं, साइन पाई रख दो, कॉस जीरो रख दो, माइनस कॉस पाई रख दो, साइन जीरो रख दो, प्लस फाइव रख दो। ये देखिए ये तो पाई हो गया, पाई का स्क्वायर हो गया माइनस, यहां देखिए साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है जीरो इंटू कॉस जीरो की वैल्यू वन माइनस कॉस पाई, तो माइनस वन इंटू साइन जीरो, साइन जीरो का क्या होता है जीरो प्लस फाइव, ये तो जीरो हो गया, तो पाई स्क्वायर प्लस फाइव, ये हो गया हमारे पास। अच्छा तो एलएचएल और अभी तक फंक्शन बराबर है, इसे आपको नोट करना होगा और हम लोग देखेंगे आरएचएल, या फिर यहां पे देख लेते हैं इस वाले पोर्शन में आरएचएल, इधर बगल वाले में यहां पे देख लेते हैं हम लोग, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहां पे देखिए इस वाले पोर्शन में हम लोग देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई का राइट, अच्छा देखिए यहां पे एच का लेफ्ट लिखा गया है, पाई होगा ये गलती से, पाई का राइट तो एफ पाई प्लस एच, जो भी जोड़ना होता है बहुत। अब क्या है हमारे पास फंक्शन, एक्स स्क्वायर है ना, तो पाई प्लस एच स्क्वायर, पाई प्लस एच स्क्वायर, अच्छा माइनस साइन पाई प्लस एच, अच्छा प्लस फाइव, ये हो गया। तो देखिए क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ पाई प्लस जीरो, तो देखिए क्या होगा, पाई प्लस एच ही अभी रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन ए, यानी कि साइन पाई प्लस साइन ए कॉस बी, यानी कि कॉस एच प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस पाई साइन एच, साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया। अब प्लस फाइव, अब देखिए लिमिट एच अप्रोचेस जीरो
सॉरी पाई प्लस जीरो, इसको जीरो कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो तो जीरो हो गया एच की जगह पर, तो ये पाई का स्क्वायर हो गया क्योंकि जीरो हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं एक बार, जीरो माइनस साइन पाई कॉस जीरो प्लस कॉस पाई साइन जीरो प्लस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि जीरो जुड़ेगा तो पाई हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर माइनस, यहां देखिए साइन पाई की वैल्यू जीरो इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू जीरो प्लस फाइव, तो ये पाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस फाइव हो जाएगा क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वन जीरो प्लस माइनस वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो पाई स्क्वायर प्लस फाइव हो जाएगा। तो ये फंक्शन पाई पर एलएचएल और आरएचएल ये सब इक्वल है इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटी एट एक्स इज इक्वल टू पाई, तो ये पाई पर कंटिन्यूअस है फंक्शन। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये एक इसमें है आपका तीन पार्ट है ए बी सी, तो हम लोग ए को डिस्कस करते हैं उसी से आपका बी सी हो जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि अगर एक बात याद रखिए कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस, देन तब क्या होगा, एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस होगा तो इनका एडिशन एफ एक्स प्लस जी एक्स, इनका मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स, इनका सब्सट्रैक्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स, और इनका डिवीजन एफ एक्स बाई जी एक्स, ये सब कंटिन्यूअस होंगे। ठीक, तो इतनी छोटी सी बात है, ये आपको याद रखनी होगी बस इसी पर। तो हमको अलग अलग हम इसको कंटिन्यूअस प्रूफ कर देते हैं तो हो जाएगा। सॉरी, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या जी एक्स प्लस एच एक्स, तो हम जी एक्स ले लेते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, अब साइन एक्स को हम ले लेते हैं किसी पॉइंट सी पर एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी पर देखते हैं क्या होता है, जी सी इज इक्वल टू साइन सी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा साइन सी माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो साइन सी माइनस एच, यहां पे जीरो रख देंगे तब भी साइन सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं एक बार और, जितना करेंगे लंबा प्रोसेस उतना ही अच्छा लगेगा देखने में, मतलब हमको फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे, बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ये देखते हैं, फॉर्मूला बहुत अच्छे से हम याद कर लेंगे तो हम क्यों ना इसको दोहराते चले। लिमिट एक्स अप्रोचेस सॉरी एच अप्रोचेस जीरो, यहां पे लिखना भूल जा रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा सी माइनस एच, यहां पे एफ सी माइनस जीरो
यहाँ पे एफ सी माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए यानी साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच। अब देखिए लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ सी माइनस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा साइन सी, यानी कि साइन सी हो जाएगा कॉस एच यानी जीरो माइनस कॉस सी साइन जीरो, साइन सी ये क्या हो जाएगा साइन सी हो जाएगा कॉस जीरो यानी कि वन वन माइनस कॉस सी यानी कि कॉस सी ही और साइन जीरो यानी कि जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो ये तो जीरो कर देगा इसको और ये वन, तो साइन सी हो गया साइन सी। ये हो गया एल एच एल। आर एच एल देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का राइट, सी का राइट एफ सी प्लस एच क्या हो जाएगा साइन एच प्लस जीरो, क्या हो जाएगा साइन एच सॉरी सी प्लस एच होगा, ये सी प्लस एच साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। अब यहां देखिए लिमिट एक्स एच अप्रोचेस जीरो एफ सी प्लस जीरो, यहां देखिए साइन सी कॉस जीरो प्लस कॉस सी साइन जीरो, साइन सी तो साइन सी ही रह जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन प्लस कॉस सी तो कॉस सी रह जाएगा और साइन सी साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो क्या हो जाएगा इसको जीरो कर देगा और वन साइन सी वन जा साइन सी, तो साइन सी। एल एच एल एफ सी एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, हेंस साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। अब हम लोग कॉस एक्स का देखेंगे, तो तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग, हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं आगे एच एक्स के लिए, एच एक्स हमारे पास था कॉस एक्स, तो हम लोग देखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी एच सी इज इक्वल टू क्या कॉस सी, फिर हम लोग देखते हैं एल एच एल यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का लेफ्ट एफ सी माइनस एच, तो कॉस सी माइनस एच, कॉस सी माइनस एच क्या होगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ एच सी माइनस जीरो कॉस सी कॉस एच प्लस साइन सी साइन एच, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। लिमिट एच अप्रोचेस जीरो कॉस सी हो जाएगा और कॉस
जीरो हो जाएगा प्लस साइन सी हो जाएगा और साइन जीरो हो जाएगा, तो कॉस सी का तो कॉस सी हो जाएगा, कॉस जीरो का वन हो जाएगा, प्लस साइन सी का तो साइन सी हो जाएगा, साइन जीरो का जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो कर देगा, ये कॉस सी, तो ये हो गया हमारा कॉस सी। अच्छा ये एलएचएल हो गया हमारा, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फंक्शन सी पर और ये इस पर, ये दोनों अभी तक बराबर है। आगे देखते हैं आरएचएल, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का राइट, एफ सी प्लस एच कॉस सी प्लस एच लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एफ सी प्लस जीरो कॉस सी प्लस एच, यानी कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ सी प्लस जीरो, तो देखा जाए साइन सी या ओ सॉरी कॉस सी इंटू कॉस एच की जगह पर कॉस जीरो माइनस साइन सी साइन एच की जगह पर साइन जीरो। यहां देखिए कॉस सी हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, माइनस साइन सी हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो कर देगा इसको, ये वन कर देगा, तो क्या हो जाएगा कॉस सी हो जाएगा। तो यहां देखिए एच एक्स इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, हेंस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। अब लिखेंगे सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस आर कॉन्टिन्यूअस सॉरी आर कॉन्टिन्यूअस हेंस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो अब चूंकि साइन एक्स कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 21 का ए सॉल्व किया। आप इसी को आपको कुछ नहीं करना है, ए की जगह यहां पे बी कीजिए, यहां पे बी लिखिए और फिर ये पूरा वही चीज फिर से लिख दीजिए, या फिर इन सब को जो लिखा हुआ है ये ए को ना लिख के सब लिख लीजिए, पहले कॉन्टिन्यूअस दिखा दीजिए साइन एक्स को और कॉस एक्स को, और उसके बाद ए में लिख दीजिए कि सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कॉन्टिन्यूअस हेंस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद फिर बी नंबर दे दीजिए, बी नंबर दे के लिख दीजिए कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, साइन सी में दे दीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, और आपका 21 पूरा हो जाएगा। तो लगता है कि आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे साथ। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और उससे आगे अगले वीडियो में। तब तक घर पर रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, और हमारे अगले वीडियो के आने तक हमारे वीडियो का इंतजार करें। गुड बाय।